Welcome back to Geo Hawks Academy, and today's chapter is Inside the Earth. It's whatever, what is happening in our Earth and what is existing in our Earth is the chapter which is talking about, okay? And Vishnu ka hum baat kare, constantly undergoing changes inside and outside. Yes, there is a constantly changing something, okay? अगर अर्थ के अंदर के देखे हम तो लगातार क्या हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ओके? और कुछ आउटर में होते हैं, आउटर चेंजेस के बारे में हमने लाते हैं, पर लैंडफॉर्म्स ऑन लिथोस्फेयर, लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, ओके, वो जो कि चेंजेस किसके थ्रू थे, आपके आउटसाइड से चेंजेस थे. बट अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो अभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. बट प्रॉब्लम आती है आपके पास लिमिटेड नॉलेज की, ओके? जो इनसाइड में जो भी है, अर्थ के अंदर जो भी है, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है. उसका रीजन क्या है लिमिटेड होने का, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जिसके कि हम इसके अंदर तक, इतना डीप अंदर तक हम जा सकते हैं, ओके? इसके अलावा सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास, अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो बेसिकली हमारे पास सोर्स है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्स. डायरेक्ट सोर्सेज में आ जाते हैं आपके ड्रिलिंग, जिसमें क्या आपको कोई मशीन ड्रिल करके डाली जाती है जमीन के अंदर, और उसके बाद उसमें जो भी आपके रॉक पार्टिकल्स निकल के आते हैं उससे आइडिया लगता है कि हाँ इसके अंदर इन इन तरह की चीजें थी. बट ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी अभी इतनी हमारी डेवलप नहीं हो पाई कि हम इसके पूरे जो एकदम कोर पार्ट है, एकदम जो इनर पार्ट है, इसका जो सेंटर है, हम उसके तक जा सके. तो इसकी वजह से क्या है कि अभी हम इससे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते. इसके अलावा डायरेक्ट सोर्स में एक और इम्पोर्टेंट सोर्स आ जाता है आपका वॉल्केनोस. तो वॉल्केनोस हमारा बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इससे क्या फायदा है हमारा कि इसमें क्या होता है कि आपके वॉल्केनोस के थ्रू क्या होता है, आपकी जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो बाहर आता है, ठीक है? और बाहर आने के बाद जो भी इसमें बेशक वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट की वजह से क्या होता है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल मेल्ट हो जाता है, लेकिन मेल्टिंग के बाद जब वो दोबारा से ठोस बनता है, जब वो दोबारा से हार्ड बनता है, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इसमें इस तरह के रॉक्स थे. तो जो भी वॉल्केनोस के थ्रू आता है मटेरियल बाहर, उससे हमें आइडिया लग पाता है थोड़ा बहुत कि हाँ अंदर अर्थ के अंदर ये सब चीजें हो सकती हैं. इसके बाद इनडायरेक्ट सोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट सोर्स में आपका सबसे पहले आ जाता है अर्थक्वेक. जो आते हैं अर्थक्वेक्स में, हमने अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमने एक सिस्मोग्राफ बना रखा है. एक सिस्मोग्राफ इज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हमें क्या होता है, सिस्मिक वेव हम पढ़ते हैं, और उस वेव के थ्रू हमें आइडिया लगता है कि किस तरह की जो अंदर रॉक्स है वो हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है या फिर मेल्टेड रॉक है, मेल्ट हो रखी है वो रॉक. इसके अलावा हमारा जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के थ्रू भी हमें लगता है कि हाँ ग्रेविटेशन की वजह से हमें एक चीज फील होती है कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि मैग्नेटिक है, ओके? इसमें कुछ मैग्नेटिज्म भी हमारे अर्थ के अंदर है. इसके अलावा हम जो मिट्योर्स पाते हैं, जो मिट्योर्स हमारे धरती पर गिरते हैं, मिट्योर्स की वजह से हमें लगता है कि जो इतना वो मिट्योर्स गिरने की वजह से क्या होता है, कभी वो अर्थ में डीप अंदर तक घुस जाता है, और तो वो एरिया जब होल हो जाता है तो उसमें एक आइडिया लग जाता है. इसके अलावा एक चीज और भी, मिट्योर जो है ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जब अर्थ बना था तो उसी समय मिट्योर्स ही बने थे, और मिट्योर्स का ही पार्ट है हमारा, जैसे अर्थ जो है, सारे जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे ऐसे मिट्योर्स ऐसे सबसे मिलके बने थे. तो उसके जो कुछ पार्टिकल्स है वो जब चेक करा जाता है तो ऑलमोस्ट लगता है कि सेम है. तो इस तरह से हमें इस मिट्योर्स के थ्रू भी आइडिया लगता है. और इसके अलावा हम बात करते हैं टेम्परेचर की. टेम्परेचर भी हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एज इट इज प्रेशर होता है आपका, ओके? सो ये जो चीजें हैं आपकी डिफरेंट ये आपसे पता लगाते हैं कि जो आपका जो अर्थ है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ओके? तो इसके साथ हमें एक चीज समझ में आई कि हमारा जो अर्थ है वो जो उसमें क्या है, हमारे कंसेंट्रिक लेयर्स बनते हैं, ओके? कंसेंट्रिक लेयर्स का मतलब है कि एक परत के ऊपर दूसरी परत, ठीक है? इसका सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हो आप. आपके नॉर्मली अनियन आपने देखा होगा, प्याज देखा होगा, उस प्याज पे आपने देखा होगा सबसे पहले एक बहुत पतली सी परत बनी रहती है, इसके बाद थोड़ी सी थिक लेयर, उसके बाद थिक लेयर. मीन्स यू कैन नॉट से कि जो प्याज है वो ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह से आपके अर्थ की तरह है, बट यस यू कैन टेक एन एग्जांपल कि कंसेंट्रिक लेयर्स किस तरह से होती है, ठीक है? कि जो प्याज की परत लगातार एक 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 से दूसरे हम गिराते जाते हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ लेयर जो कि ऑलमोस्ट रेप्लिका हो सकता है आपका अर्थ का, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके? नाउ
हम बात करते हैं हम आपके इनर पार्ट के अर्थ की, और जो कि हमने जो सोर्सेस के थ्रू जो आपके जो इन्फॉर्मेशन मिले उनके थ्रू हमने इसमें जो लेयर्स हमें मिली वो आपकी बेसिकली तीन टाइप्स की लेयर थी. फर्स्ट इज क्रस्ट, ओके. सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर. ओके, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ आपकी जो लेयर्स हैं उसमें फर्स्ट लेयर है आपकी क्रस्ट. ओके, क्रस्ट जो है, क्रस्ट को आप लिथोस्फेयर भी बोलते हैं. ये आपकी अपर मोस्ट लेयर है जो कि सॉलिड है, जो कि हमें देखने में लगता है जब हम पैर से छूते तो हमें लगता है सॉलिड है, बट ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट रॉक भी हो सकती है आप कह सकते हो, क्योंकि दैट इज द फ्रेजाइल रॉक. मतलब क्या, बहुत आसानी से इनको उसको तोड़ा जा सकता है, तो इसलिए हम इसको फ्रेजाइल रॉक भी बोलते हैं. इसके अलावा अगर आप देखिए और तीनों दोनों लेयर से, आप ये कोर से और मेंटल से, आपकी जो क्रस्ट है वो सबसे ज्यादा पतली लेयर होती है. ओके, सबसे ज्यादा थिन लेयर है. और इसके अलावा इसका जो जो गहराई है वो आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मासेस पे मिलेगा और 5 किलोमीटर ऑन ओशन बेसिस पे मिलेगा. मतलब ओशन फ्लोर से मिलेगा. जैसे कि मैंने आपको बताया था ओशन बेसिन पे भी आपका लैंड पार्ट है. ओके, मींस लैंड फॉर्म्स अगर हम बात करते हैं तो ओशन बेसिन में भी आपका लिथोस्फेयर मिलता है. और इसके अलावा कॉन्टिनेंटल मासेस जो कि 30 किलोमीटर मीन्स जस्ट एवरेज हाइट बताई गई है. अगर क्योंकि कई जगह देखा जा सकता है कि जैसे लाइक अगर आपका ये सिंपली एक आपका ओशन है ये, और ये ओशन बेसिन है, और इसके साथ आपके एक लैंड फीचर जा रहा है जो कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर से भी कह सकते हैं आप. सिंपली ये 5 किलोमीटर से लेके मीन्स यहाँ की तो अंदाजा लगाया जा रहा है ये इसकी 5 किलोमीटर तक का एरिया हो सकता है. इसके अलावा अगर आप ऊपर जाते हैं तो इसका डिस्टेंस अगर यहाँ से हम ले तो इस तरह से हम देखेंगे कि आपकी इसकी जो हाइट है, क्योंकि हमारी कुछ हाइट ऐसी भी है या कुछ आपके जो ये क्रस्ट पार्ट है वो आपके किसके थ्रू उठे हुए, आपके माउंटेन्स के थ्रू उठे हुए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका कुछ किलोमीटर 100 किलोमीटर से भी तक की भी हाइट आपको कई जगह देखने को मिलेगी हाइट. ओके, उसके बाद आ जाते हैं मेन मिनरल्स की बात करते हैं. आपका बेसिकली जो आपका क्रस्ट है वो दो मिनरल्स से मिलकर बना है, जो जिसमें मैक्सिमम पार्ट कह सकते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ये भी एक तरह से स्टडी थी जिसके थ्रू ये पता लगा कि हाँ जो इंडिया जो क्रस्ट है आपका वो आपके दो मेन मिनरल से मिलकर बना, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सियाल बोला जाता है. एंड आपका जो ओशियनिक क्रस्ट पार्ट है ये आपका थोड़ा सा हैवी पार्ट है जो कि आपका बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम से. ओके, इसको की बोला जाता है साइगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर ओके, देयर इज अ वर्ड्स एस्थेनोस्फेयर. ओके, एस्थेनोस्फेयर का सिंपली मतलब ये है कि एस्थेनोस्फेयर क्या है, आपका एक मेल्ट एरिया है. मेल्ट एरिया है, साथ में ये आपका बना है क्रस्ट के पार्ट से थोड़ा सा और थोड़ा सा मेंटल के पार्ट से. इसी वजह से ये थोड़ा सा आपका मैंने सिंपली एक ब्लैंक पार्ट छोड़ा है इससे ताकि आपको समझ आ सके क्लियरली कि इसमें क्या है कि कुछ पार्ट आपका लिथोस्फेयर का है, कुछ पार्ट आपका अपर मेंटल का है. ओके, तो ये दोनों मिलकर आपका एस्थेनोस्फेयर बनाते हैं, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा एरिया जो कि मेल्टेड एरिया है, मेल्ट है एरिया जिस पर कि आपकी क्रस्ट जो है मीन्स आपकी अपर क्रस्ट एरिया है, जो एरिया है वो इस पर क्या कर रहा है, आपका तैर रहा है, वो उस पर आपका फ्लोट होता रहता है. ओके, नेक्स्ट इज अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो है मेंटल, जो कि आपका सेकंड लेयर है. मेंटल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपका सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर है. ओके, ये जो क्रस्ट से कंपेयर करें तो सम मोस्ट थिकेस्ट लेयर. और इसके अलावा आप देखेंगे ये अप टू 2900 तक की हाइट पर ये आपको मिलेगा, जिसका कि अगेन दो पार्ट है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. अपर मेंटल की खासियत ये है कि ये आपका मेल्टेड है, लोअर मेंटल अगेन आपका क्या है हार्ड रॉक से बना है. इसके रीजन क्या है, क्योंकि आप जब जैसे जैसे डीप में जाते हैं आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है. टेम्परेचर का जो एवरेज हाइट एवरेज इंक्रीज निकाला गया है वो निकाला गया है 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर. ओके, हर 32 मीटर की गहराई पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस घटता बढ़ता जाता है. बट ये जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, मीन्स कुछ प्लेसेस पे थोड़ा डिफरेंस है. अगर हम बात करें कि अगर 100 किलोमीटर के एरिया पर अगर जाते हैं तो 100 किलोमीटर के बाद जो इसका स्पीड है वो 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की स्पीड से बढ़ता है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा 300 किलोमीटर के पास जब ये पहुंचता है तो उसके बाद इसकी जो इंक्रीज है वो आपका पहुंच जाता है 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास. ओके,
तो इस तरह से ये क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है उसका इंक्रीज होता जाता है, या ये कह सकते हो वेरी करता है ये आपके एक लेयर से दूसरे लेयर पे, तो आपका जो अपर मेंटल है वो मेल्ट है, ओके यस, और लोअर मेंटल जो है वो आपका हार्ड रॉक से बना है और ये मेल्ट नहीं है, ये आपका सॉलिड है, ओके उसके बाद आता है डेंस एंड हॉट लेयर, जैसे कि बताया ये जो ये दोनों मींस जो मेटल का पूरा पार्ट है इट इज अ डेंस मींस बहुत हैवी मटेरियल से बना है, नेक्स्ट इट इज हॉट, ओके ये हैवी मटेरियल अगेन मैं बात बता रही हूँ, सो सिलिका मैग्नीशियम है बेसिकली, यही माना जाता है कि ये जो सिलिका मैग्नीशियम एंड सम पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम ऑल्सो एग्जिस्ट हियर, ओके तो ये आपका बेसिकली क्या है डेंस लेयर है, एंड नेक्स्ट इज बिलो लिथोस्फीयर रिलेटिवली नैरो मोबाइल जोन विच इज कॉल्ड जो कि हमने मैंने पहले बता दिया आपको, सो दैट इज ऑल अबाउट योर मेंटल लेयर, नेक्स्ट इज कोर, ओके इट्स जो आपकी इनर मोस्ट लेयर हो गई, और इसका रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर पाता है मिलता है, इसके अलावा इसकी जो हाइट आपको जो मींस जो हमने अपने रिसर्च के थ्रू निकाली है इसकी जो गहराई है वो है 6360 किलोमीटर, ओके और इसके बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है आउटर लेयर एंड इनर लेयर, ओके आउटर लेयर मींस इसको हमने अपर कोर बोला है, ये बेसिकली आपका लिक्विड पार्ट में है क्योंकि अगेन यहाँ पर जो आपकी टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ की जो रॉक्स है वो क्या होती है मेल्ट हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर, ओके यस नेक्स्ट इज इनर मोर इनर कोर जो है आपका, इनर कोर जो है आपका अगेन सॉलिड है, अब सॉलिड क्यों होता है इसकी वजह यह है क्योंकि इस पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि आपकी जैसे आपने देखा कि यहाँ पर डेंस रॉक्स हैं, ओके इतना ज्यादा भार पड़ जाता है इतना ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इनर पार्ट है वो आपका हार्ड हो जाता है, ओके इसके अलावा नियरली ट्वाइस एज डेंस एज द मेटल मेंटल, अगर हम बात करें इसके हार्डेस्ट की तो ये आपके मेंटल से दो गुना ज्यादा हार्डेस्ट सॉरी आपका ये डेंस मटेरियल डेंस है आपके मेंटल से, ओके नेक्स्ट इज एज द अर्थ रोटेट्स लिक्विड आउटर कोर स्पेस एंड क्रिएट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओके यू नो अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स में जिसकी बात हम करते हैं कि जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशंस की जिसकी बात करते हैं, इसके अलावा आप मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हमें आप ऑस्ट्रेलिया में या फिर आप अपने नदर एरिया में चले जाएंगे आपको मिलता है अरोरा ऑस्ट्रालिस एंड अरोरा बोरियालिस जैसी दो एक्टिविटीज मिलेगी, कभी आप पिक्चर पर चेक करिएगा कभी आप नेट पर चेक करिएगा, बहुत सुंदर व्यू आता है इस अरोरा ऑस्ट्रालिस अरोरा बोरियालिस का, वो आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसके अलावा जो आपका ग्रेविटेशन बोला जाता है ग्रेविटेशन का भी रीजन जो है यही दिया जाता है कि जो हमारा अर्थ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो आपकी मेन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, ओके दैट इज द थ्री लेयर्स ऑफ अवर क्रस्ट सॉरी ऑफ अवर अर्थ, ओके नाउ कम टू द रॉक्स एंड मिनरल्स, ओके रॉक्स एंड मिनरल्स व्हाट आर द रॉक्स, फर्स्ट रॉक्स आर द नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स, ओके जिसमें कि क्या होता है एक नेचुरल मास होता है एक ऐसा एक एरिया होता है जिसमें कि क्या होता है मीन्स इज एक एक ऐसा मास वाला चीज है जिसमें कि मिनरल मैटर्स होते हैं, ओके इसके अंदर आपके मिनरल्स इंक्लूड होते हैं साथ में, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक, ओके इट्स जस्ट लाइक अ मास मीन्स सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी क्रस्ट का अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज नोन एज रॉक, ओके एंड इस रॉक्स में आपका होता है क्या है मिनरल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं जिनके बारे में भी हम आगे बताते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रॉक्स की तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो वी हैव मार्बल ग्रेनाइट स्लेट लाइमस्टोन एक्सेट्रा, दीज आर द रॉक्स जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, हार्ड रॉक्स जैसे कि यूज होते हैं हमारे रोड्स बनाने के लिए हाउसेज बनाने के लिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इस तरह के रॉक्स हमारे यूज होते हैं जैसे कि लाइक जिप्सम यूज होता है सीमेंट जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो होती है वो हमारे यूज होती है। नेक्स्ट कम टू द मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं कि दैट इज इस तरह के नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनके की फिजिकल कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से और इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमारे सामने आते हैं, जैसे कि कोल की अपनी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एंड नेचुरल गैसेस की अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, एज द सेम पेट्रोलियम आयरन एल्यूमिनियम गोल्ड यूरेनियम एंड सो देयर आर ऑल अदर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो कि हमारे अर्थ पर मिलते हैं और जो
हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है इन डिफरेंट मैनर. ओके, सो अब आते हैं, बात करते हैं कि रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं. इसमें आपके मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो रॉक्स हैं. रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली आपके रॉक्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, इग्नियस रॉक को आप, इग्नियस रॉक हमारी ऐसी रॉक है जो कि फर्स्ट रॉक मानी जाती है, जो कि हमारी इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. प्राइमरी रॉक इस क्लास, सेडिमेंट्री रॉक्स को आपकी सेकेंडरी रॉक्स भी बोला जाता है, एंड अगेन मेटामॉर्फिक रॉक्स को आप टर्शियरी रॉक भी बोल सकते हैं. ओके, इन सबका रीजन क्या है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. ओके, व्हाट आर द इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स को हिंदी में आग्नेय शैल भी बोला जाता है. आग्नेय शैल जो कि आग से बना हुआ है. ओके, अब इसका हम सिंपली समझाने के लिए अगर देखते हैं तो हम, ये बेसिकली आपका वो पार्ट है जो कि आपकी वॉल्केनो से निकलता है. ओके, वॉल्केनो से क्या होता है कि आपका लावा बाहर आता है, सॉरी आपका मैग्मा बाहर आता है, और ये मैग्मा बाहर आता है किसी एक वेंट के थ्रू, एक सोर्स के थ्रू. अब ये जब किसी बाहर आता है तो बाहर आने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे जब फ्लो होना शुरू होता है, और ये बाहर के आपके लो टेम्परेचर की वजह से और आपके विंड की वजह से क्या होता है, आपका जो मैग्मा है ये बाहर आके लावा फॉर्म होता है, और लावा जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, कूल होना शुरू हो जाता है. और जब ये कूल होता है तो ये सॉलिड फॉर्म ले लेता है, और सॉलिड होने की वजह से क्या होता है, ये एक रॉक बन जाता है. ओके, जिसे कि हम बोलते हैं इग्नियस रॉक. ओके, अब इस तरह के दो रॉक होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव रॉक और एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक. इंट्रूसिव रॉक, जो एक्सट्रूसिव रॉक तो आपको वही रॉक है जो कि मैंने बताया आपको, जो बाहर निकल के आ जाती है. ठीक है, ये हो गई आपके एक्सट्रूसिव रॉक. ओके, नेक्स्ट आती है इंट्रूसिव रॉक. कई बार क्या होता है कि आपका जो मैग्मा है वो बाहर ना निकल के इसी अंदर में ही ठंडा हो जाता है. ओके, और कई बार वो क्या करता है, इसी अंदर में ठंडा हो जाता है, इसी एरिया में ठंडा हो जाता है, क्योंकि किसी वजह से उसको उतना प्रेशर नहीं दे पाया कि वो इसको बाहर फाड़ के निकल सके इस जमीन को, या किसी वजह से है जिसके से बाहर नहीं निकल सकता, या यहाँ पर क्या नाम है, यही निकल के इतनी दूर में ठंडा हो जाता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करते हैं, फॉर्म ले लेते हैं. जैसे कई बार इसको बोलते हैं डाइक्स बोलते हैं, लेपोलिथ बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स इनको बुलाया जाता है. तो दैट इज नोन एज एक्सट्रूसिव रॉक्स. ओके, ये जब हम इसको कभी आपके इरोजन के थ्रू, जब आपका जो ये अपर पार्ट है वो जब कटता है, तो ये आपकी जो एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव रॉक्स है ये आपकी नजर आती है. ओके, एक्सट्रूसिव मींस जो कि आउटर है, और इंट्रूसिव मींस जो कि इनर रॉक्स है. ओके, नाउ कम टू सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली आपकी वो रॉक्स है जो कि वेदरिंग के बाद निकलती है. ओके, वेदरिंग का मींस क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी रॉक का टूटना. ओके, कोई भी रॉक है, जैसे ये जिस तरह की रॉक है, इसमें जब आपकी किसी भी तरह से विंड चलती है या वाटर के थ्रू क्या होता है, ये रॉक्स आपकी होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इरोजन जब होता है आपका. ओके, अब ये जो वेदरिंग है, ये दो तीन प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है. तो ये आपके इस तरह से तीन प्रोसेस के थ्रू, मीन्स वाटर, विंड एंड बायोलॉजिकली, आपका क्या होता है, ये आपके जो रॉक्स होती है वो कट जाती है, और कटने के बाद क्या होती है, वो इतनी ज्यादा लूज हो जाती है कि इनको ट्रांसपोर्ट करना, मीन्स इनको एक प्लेस दूसरे प्लेस पे ले जाना बहुत आसान होता है, और उसके बाद उसको डिपॉजिट करना अगेन बहुत इजी हो जाता है. तो इस तरह के जो लूज चीजें होती है, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल इनको बोला जाता है सेडिमेंट्स. और जब ये लेयर टू लेयर एक दूसरे के ऊपर बनती चली जाती है, इस तरह से लेयर मीन्स जस्ट लाइक एक बार फर्स्ट रॉक जो है हमारी, फर्स्ट सिंपली सेडिमेंट्स आपके जो है इस तरह से डिपॉजिट किए गए, अगेन इसमें सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए, अगेन इसमें सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए. तो इस तरह से लगातार सेडिमेंट डिपॉजिशन की वजह से क्या होता है, जो आपकी नीचे वाली लेयर थी उसमें क्या है, कंप्रेशन पड़ा, मीन्स लगातार इस पे प्रेशर पड़ रहा है, और प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होती है, ये लेयर होती है आपकी हार्ड बन जाती है. ओके, तो इस तरह से आपका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, आपकी नीचे अलग अलग लेयर्स हैं, और इसी तरह से लेयर्स का जो है आपको फॉर्म दिख रहे हैं, और ये आपका बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स. इस तरह के रॉक्स आपके होते हैं सैंडस्टोन, और इसके साथ में आप देखेंगे कि जो फॉसिल्स और एनिमल्स और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक पर्त से दूसरी पर्त पड़ती गई, जो भी चीजें थी वो इसके अंदर दब गई. ओके, नेक्स्ट आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपकी हो गई इग्नियस, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स.
अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. ओके, जब ये जो रॉक्स हैं, क्योंकि जब ये नीचे दब रही है, कई बार ये दब जाती है, तो इस पर अगेन प्रोसेस होता है आपके हीट का एंड प्रेशर का. ओके, इस हीट और प्रेशर के वजह से आपका क्या होता है कि आपकी जो रॉक है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर रूपांतरित शैल भी बोला जाता है इनको. ओके, जैसे कि एग्जांपल है क्ले जो है, हमारी मिट्टी जो उसको जो कि स्लेट में चेंज हो सकती है, इसके अलावा आपका लाइमस्टोन जो है वो आपका मार्बल में चेंज हो सकता है. क्ले जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन आपका इग्नियस रॉक है. तो इस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म में चेंज होने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्म ले लेती है. ओके, नाउ अब आते हैं आपका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका रॉक साइकिल. आपको सीधे साथ में ये भी समझ आ जाएगा किस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे, जैसे मैंने बताया कि आपका जो प्राइमरी रॉक है वो आपकी है इग्नियस रॉक. ओके, इग्नियस रॉक में जिसमें कि आपका ये मैग्मा के थ्रू बाहर निकलती है, तो इस तरह से जब आपका मैग्मा बाहर आता है, तो मैग्मा जब ठंडा होता है तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जम जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में बनने के बाद वो क्या करते हैं, एक रॉक का फॉर्म ले लेते हैं, दैट इज नोन एज इग्नियस रॉक. अगेन वो इग्नियस रॉक जो होता है उसका दोबारा से वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होता है. तो इस तरह से आपका सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं, एंड आफ्टर डिपोजिशन इसका कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन हुआ, और इसके बाद आपका क्या हुआ, ये रॉक्स हो गए, क्या हो गए, आपकी सेडिमेंटरी रॉक्स बन गए. मींस क्योंकि इस पर दोबारा डिपोजिशन के थ्रू क्या हुआ, लेयर टू लेयर चढ़ के आपका सेडिमेंटरी रॉक्स बन गया. और साथ में सेडिमेंटरी रॉक्स के बाद ये दोबारा आपके हीट एंड प्रेशर की वजह से अगेन, क्योंकि जमीन के अंदर पड़ जाते हैं कहीं ना किसी वे में, जब बहुत ज्यादा अगेन जब इस पर कोई प्रेशर पड़ता है और अंदर, क्योंकि आपकी जो गर्मी है, मैंने बताया क्योंकि जैसे जैसे आप गहराई के साथ जाते हैं आपका जो टेम्परेचर वो बढ़ता जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म हो जाते हैं. और मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होने के बाद अगेन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो हीट है उसकी वजह से क्या होते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद अगेन ये एक मैग्मा की तरफ, मैग्मा के फॉर्म में वोल्केनोस के थ्रू ये दोबारा बाहर आते हैं. तो इस तरह से ये क्या बन जाती है, साइकिल बन जाती है. ठीक है, और साथ में वेदरिंग एंड इरोजन, हीट एंड प्रेशर, मेल्टिंग जो है ये ऑलमोस्ट ऐसी प्रोसेस है जो लगातार इस पूरे साइकिल में चलती जा रही है. मीन्स नॉन स्टॉप ये आपकी लगातार साइकिल जो है आपके साइकिल फॉर्म में चले जा रही है. तो दैट इज नोन एज रॉक साइकिल. सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.